कुछ भी काम भी भी काम हैं हैं तो उसे जस्टिफाई भी पूरी तरीके से कर देते इन्होंने क्या बताया इन्हों हम बचाना चाहते लेकिन इसके पीछे का रियल रीजन क्या है और भाई इससे इन्हें कितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हुआ जो इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले तो चले फिर आरम्भ करते हैं तो <laughs> हाँ तो भाई अगर एप्पल कुछ करती है तो भाई बहुत डर लगता है मुझे ऐसा है क्यों क्योंकि अगर एप्पल कुछ भी करती है और एप्पल कुछ भी करती है तो उठ ही होता है वो हाँ क्योंकि भाई इससे क्या होता है उनका प्रॉफिट जनरेट होता है प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा भाई उछाल आ जाते हैं भाई ऐसी एप्पल थोड़ी ना ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है मतलब तो बोलने में भी भाई कितनी मेहनत लग रही है तो भाई और इनकी पीछे इन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज की है और इसमें से एक स्ट्रेटजी का हिस्सा ये भी है कि भाई डब्बे में से चार्जर रिमूव करना जब इनकी लगभग आईफोन ट्वेल्व सीरीज आई थी उस टाइम इन्होंने क्या कहा कि भाई हम जो है इन्वायरमेंट बचाने के लिए हम जो डब्बे में से चार्जर हटा रहे हैं भाई इन्होंने जस्टिफाई भी कर दिया चुटकी बजाते कि भाई हम इसलिए ले कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता एप्पल ने चार्जर क्यों हटाया क्योंकि इसका मेन रीज़न है उन्हें अपना बीस वॉट का जो चार्जर है उसे बेचना था अब अगर भाई वही चार्जर बढ़ा के डब्बे में दे देते तो रेवेन्यू कैसे बढ़ता और भाई इसके लिए उन्होंने चार्जर नहीं दिया और इससे भाई उनको सिक्स बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट हुआ मतलब भाई सात बिलियन डॉलर अब सोच भी नहीं सकते हो इनके छोटे से स्टेप की वजह से ये इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया और जिसकी बात की जाए एयरपोर्ट्स हाँ एयरपोर्ट्स हमें बताया कि भाई कुछ दिन पहले जब आईफोन शायद सेवन या एट सीरीज आई थी उस टाइम पर भाई इन्होंने थ्री पॉइंट हटा के और भाई एयरपोर्ट ला दिया मतलब ये प्रॉब्लम भी लाते हैं उटपटन काम भी करते हैं उसका सोल्यूशन भी लाते हैं मतलब क्या करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट करो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो और भाई रेवेन्यू जनरेट करो हाँ भाई ऐसे ही रेवेन्यू जनरेट करो ये इनका काम होता है भाई एयरपोर्ट से उन्होंने लगभग थ्री पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर लगभग चार बिलियन डॉलर उन्होंने जनरेट किया मतलब भाई दस बिलियन डॉलर तो इनका ऐसे ही आ गया और भाई ऐसे ही करती है तो बहुत डर लगता क्यों है क्योंकि भाई एंड्रॉइड भी इसे फॉलो करने लगती है शुरुआत में तो भाई सैमसंग बहुत चिढ़ा रहा था कि भाई हम चार्जर दे रहे हम चार्जर दे रहे अभी जो भाई इनका मेन स्मार्टफोन आया सैमसंग गैलेक्सी एफ ट्वेंटी थ्री भाई भाई उन्होंने चार्जर रिमूव कर दिया मतलब सत्रह हज़ार का स्मार्टफोन उसमें से भाई उन्होंने चार्जर रिमूव कर दिया और भाई उनके तो ऑलरेडी फ्लैक्सीब सीरीज तो, तो निकल ही गया था लेकिन तो भाई मिड रेंज में भी ये करने लगे मतलब एप्पल अगर कुछ भी करती है तो भाई उसके पीछे पीछे एंड्रॉयड वाले भी दौड़ने लगते पहले चढ़ाएंगे भाई हम दे रहे हम दे रहे और बाद में ये निकाल देंगे ऐसे ही काम यहाँ पर भी किया जा रहा है और भाई इसके पीछे एप्पल ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया इसका रीज़न यही है और फ्यूचर में ऐसा हो रहा है कि भाई ये यूरोपीय यूनियन है ठीक है आपको पता ही होगा वेस्टर्न कंट्री का यूरोपीय यूनियन चलता है उन्होंने क्या कहा था कि भाई हाँ आप जो है सबको यूज करो जिससे क्या हो सके कि एंड्रॉइड वाला चार्जर आराम से आप आईफोन में लगा सको और भाई आईफोन में अभी भी आपको लाइटनिंग पोर्ट ही देखने को मिलता है तो भाई एप्पल वालों ने क्या दिमाग मतलब उनका अलग नेक्स्ट लेवल का दिमाग चलता है उन्होंने क्या किया 3.5 का जैक तो हटाई दिया था और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट की जगह लाइटनिंग पोर्ट ही रखा बस चार्जर वाला जो गड्ढा हम यूएसबी पोर्ट रखते थे फिर टाइप सी का पोर्ट दे दिया मतलब अब यूरोपीय यूनियन बोल रही थी तो इन्होंने बोला लो भाई हमने लगा दिया यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मतलब भाई एप्पल जो है एकदम अजब गजब स्ट्रेटी लगा हाल की बात की भाई वो तो कोर्ट में आगे बात गई फिर वो तो चल ही रहा है और भाई ऐसा फीचर में बताया जा रहा है एप्पल वाले ऐसा करने वाले कि आपको पोर्टलेस आईफोन देने वाले मतलब आपको अब आप जो लाइटिंग पोर्ट दिया जाता था ना वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके बदले में ये भाई वायरलेस चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपका फोन वायरलेसली चार्ज होगा और भाई अब जो वायरलेस चार्ज जाएगा उसे भी धड़ाले से बेचेंगे मतलब एप्पल जो है वही 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 रीज़न है प्रॉब्लम क्रिएट करो प्रॉब्लम को जस्टिफाई करो और तो उसका सोल्यूशन लाओ और यही रीज़न था कि भाई जो एप्पल का इतना बड़ा मास्टर प्लान था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है और भाई सात बिलियन प्लस तीन बिलियन यानी दस बिलियन डॉलर इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया आपका इस विषय में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा तो चलिएगा चाहे आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुन जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ऐसे एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए